रोती बिलकती इस महिला के पति की कुछ देर पहले ही मौत हुई है। यह अपना दुख अभी समेट भी नहीं पाई थी कि अस्पताल के स्टाफ का अमानवीय चेहरा सामने आ गया और महिला से उसी के पति के खून के निशान साफ करवाए गए। ये तस्वीरें देखकर शायद किसी का गला भी दर्द से भर जाएगा, लेकिन अस्पताल वालों को ना तो इस महिला का दर्द महसूस हुआ, ना उसकी हालत देखी और अस्पताल के बेड से खून के धब्बे साफ करने को कह दिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ ने शख्स की मौत के बाद उसकी पत्नी से बेड पर लगा खून साफ करवाया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो में दिख रही ये महिला 5 महीने की गर्भवती है, लेकिन अस्पताल वालों को इसकी हालत पर भी तरस नहीं आया। ये घटना अस्पताल में दम तोड़ने वाले मरीज और शोक में डूबे उनके परिजनों के सदस्यों के साथ हेल्थकेयर स्टाफ के व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में गंभीर रूप से जख्मी शिवराज और रामराज को इलाज के लिए गाड़ा सराई स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। यहाँ इलाज के दौरान शिवराज ने दम तोड़ दिया। अस्पताल के स्टाफ ने उसकी प्रेग्नेंट पत्नी रोशनी को कथित तौर पर खून के सने बिस्तर को साफ करने के लिए कहा। खून लगे बेड को साफ करते हुए वीडियो जब वायरल हो गया तो अस्पताल के डॉक्टर मामले में लीपापोती करने लगे। गाड़ा सराय स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर चंद्रशेखर टेकम ने इस दौरान मेडिकल स्टाफ का बचाव करते हुए ये दावा किया कि मृतक की पत्नी को सबूत के तौर पर खून के धब्बे कलेक्ट करने को कहा गया था, उन्हें बेड साफ करने को कतई नहीं कहा गया। हालांकि अस्पताल का वीडियो डॉक्टरों के दावों के उलट है। इसमें मृतक शिवराज की पत्नी बेड की चादर पर लगा खून साफ करते हुए दिख रही है। खबरों की माने तो जमीन विवाद के चलते एक शख्स और उसके 3 बेटों पर जानलेवा हमला हुआ था। इस दौरान बाप और एक बेटे की मौत हो गई, जबकि 2 बेटों को गंभीर हालत में गाड़ा सराय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। यहाँ बेटे शिवराज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि छोटे भाई रामराज की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और वो फिलहाल अभी आईसीयू में एडमिट है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पूछताछ के लिए कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है।